भव्या गांधी की गर्लफ्रेंड कौन है, क्या आपको पता है? तो दोस्तों रिसेंटली भव्या गांधी ने एक इंटरव्यू में रिवील किया कि उनकी गर्लफ्रेंड कौन है। तो चलिए जानेंगे आज के इस वीडियो में कि भव्या गांधी की गर्लफ्रेंड कौन है। साथ ही साथ दोस्तों आप सभी के लिए आ गई है बहुत सारी तरोताज़ा न्यूज़ एंड अपडेट, और ये सारी अपडेट जानकर आप भी लिटरली हैरान हो जाने वाले हो। तो एक एक करके सारी न्यूज़ को कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी से बस छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर से कर देना। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के बढ़ते हैं पहली अपडेट की और बात कर लेते हैं भव्या गांधी की। तो दोस्तों रिसेंटली टेलीटॉक इंडिया ने भव्या गांधी से पूछा कि क्या अभी आपकी कोई गर्लफ्रेंड है। तो यहां पर भव्या गांधी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि जी नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं, मेरी अभी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है और ना ही मैं रिलेशनशिप में हूं। पता नहीं क्यों बहुत सारी अफवाह सोशल मीडिया हैंडल पर फैल रही है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बिल्कुल ही सिंगल हूं। तो यहां पर टेलीटॉक इंडिया के जो इंटरव्यूअर रहते हैं वो वापस से भव्या गांधी से पूछते हैं कि ऐसा क्यों, आप सिंगल क्यों हो, अभी तो आपके लाइफ में सब कुछ ठीक है, आप स्टेबल हो, अच्छा काम चल रहा है, तो आप सिंगल क्यों हो। तो यहाँ पर भव्या गांधी कहते हैं कि अभी मैं अपना काम में इतना ज़्यादा बिजी रहता हूँ कि मेरे को किसी और को टाइम देने के लिए समय ही नहीं है, तो इसी के कारण मैं सिंगल हूँ और ना ही मेरी कोई गर्लफ्रेंड है। तो चलिए अब बढ़ते अगली अपडेट की और बात कर लेते हैं तारक मेहता सीरियल की पुरानी सोनू की, यानी कि निधि भानुशाली की। तो दोस्तों आज सुबह निधि भानुशाली ने एक बहुत ही फनी वीडियो को अपने फैंस के साथ शेयर किया इंस्टाग्राम के हैंडल पे। पहले तो दोस्तों पुरानी सोनू को देखकर मेरे को काफी अच्छा लगा क्योंकि वो अपना पुराना लुक में वापस आ गई है, जैसा कि आप देख सकते हो इस वीडियो में। तो आइए देखते हैं पुरानी सोनू ने अपने फैंस के साथ क्या फनी वीडियो को शेयर किया, फिर आगे बढ़ेंगे। आई एम चॉपिंग अनियंस और जस्ट एज माय आई स्टार्टेड बर्निंग मुझे याद आया कि somebody a few years ago had told me that if you keep your tongue just a little bit outside while you're chopping onions, तो उससे आंखें नहीं जलती, because the juices secreted by the onion will be absorbed by your tongue first before your eyes. अब ये सोच के मुझे ऐसा लग रहा है शायद कोई मेरा मजाक उड़ाना चाहता था by making me believe this, but I don't know, I'm gonna try it. प्याज तो कट चुका है, आंखें नहीं जल रही हैं. Now I don't know if this is some kind of placebo और वॉट, बट आई फील सुपर सिली और जितना टाइम वेस्ट कर चुकी हूँ मैं इसके पीछे, इतने में चार और प्याज कट गए होते, तो डोंट जज मी गाइस, बाय। तो चलिए बात कर लेते हैं बबीता जी के बारे में। तो दोस्तों बबीता जी हो गई है गणपति उत्सव के लिए तैयार, और उन्होंने आज सुबह अपने इंस्टाग्राम के स्टोरी में अपने मराठी स्टाइल में ये वीडियो को शेयर किया। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हो बबीता जी मराठी स्टाइल में काफ़ी खूबसूरत लग रही है, और उन्होंने तारक मेहता सीरियल के सेट से इस वीडियो को शेयर किया और वो तैयार हो गई है गणपति उत्सव के लिए। बाकी दोस्तों आप कॉमेंट में मुझे ये बताओ कि बबीता जी कैसी लग रही है मराठी लुक में। तो चलिए बढ़ते अगली अपडेट की और बात कर लेते हैं हिना खान की। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता ही है हिना खान अभी ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित है और वो अभी अपने इलाज के लिए गई हुई है अमेरिका, और रिसेंटली उन्होंने अपने इंस्टाग्राम के हैंडल पे एक वीडियो को शेयर किया अमेरिका के जिम से। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हो यहां पर वो वर्कआउट कर रही है अमेरिका के जिम में, और वो टोटली डॉक्टर के निगरानी में रहकर ये सारी वर्कआउट और अपने हेल्थ का ध्यान रख रही है। और साथ ही साथ हिना खान ने एक कैप्शन भी लिखा, जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हो यहां पर, 1000 रीजन में पेरेंट्स इट सेल्फ टू पुट यू डाउन एवरी डे, बट आई हैव ए प्रोमिस टू फुलफिल फॉर माई फ्यूचर सेल्फ एंड आई एम कमिटेड आर यू पी एस दिस इज स्ट्रिक्टली डन अंडर माई डॉक्टर एडवाइस एंड ट्रेनर सुपरविजन ओनली वेंस माई बॉडी अलाउ दुआ। तो दोस्तों हम सबके तरफ से हिना खान को काफ़ी बड़ी दुआ है और ब्लेस है कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए, जल्द से जल्द रिकवर होके वापस आए। तो आप भी कमेंट बॉक्स में गेट वेल सुन हिना खान जरूर लिखना। तो चलिए बढ़ते अगली अपडेट की और बात कर लेते हैं मलाइका अरोड़ा की। तो दोस्तों आज सुबह मलाइका अरोड़ा के फादर की डेथ हो गई ड्यू टू सुसाइड, लेकिन अभी तक रीज़न नहीं पता चला है कि किस वजह से उन्होंने सुसाइड की है। तो यहाँ पर अभी फ़िलहाल तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लेकिन आज पूरा बॉलीवुड हिल चुका है ये खबर से। तो चलिए बढ़ते अगली अपडेट की और बात कर लेते हैं बिग बॉस सीजन 18 की। तो दोस्तों यहां पर फाइनली बिग बॉस सीजन 18 का कंटेस्टेंट लिस्ट सामने आ चुका है, और ये कंटेस्टेंट लिस्ट निकालने वाले न्यूज 24 का न्यूज मीडिया आर्टिकल है। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हो ये न्यूज मीडिया आर्टिकल में लिखा हुआ है बिग बॉस 18 में कौन होंगे 17 कंटेस्टेंट, एक एक नाम का रिवील, और यहां पर उन्होंने पूरी लिस्ट दी हुई है जो मैं आपको एक एक करके पढ़ के सुना देता हूँ।
सोहेब इब्राम, डॉली चायवाला, एलिस कौशिक, दिलजीत कौर, सुरभी ज्योति, दिग्विजय सिंह राठी, सीजान खान, समीरा रेड्डी, दीपिका आर्य, मैक्सटन, करण पटेल, हर्ष बेनीवाल, ठगेश, पूरब झा, पूजा शर्मा, नुसरत जहान, ईसा कोपीकर। जी हाँ दोस्तों, तो ये कंटेस्टेंट लिस्ट सामने आ रहा है बिग बॉस सीजन 18 का। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो जब बिग बॉस शुरू होगा तभी पता चलेगा। बाकी दोस्तों यही थी आज की कुछ तरोताज़ा न्यूज़ एंड अपडेट। बाकी दोस्तों ये आपको अपडेट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताकर जाना। और हाँ, ऐसे ही अमेजिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों।